अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहनाज सिद्दीकी है। मैं क्वींसकर हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारा 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और हमारी स्पेशलिटी बेसिकली पीडियाट्रिक है एंड मटर्निटी है। हमारा 10 बेड का NICU भी है जो काफ़ी बेहतरीन है। उसमें 24/7 डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। हमने अभी हाल ही में 800 ग्राम बच्चे को एकदम सक्सेसफुली मैनेज करके घर भेजा। हमारे पास NICU में बेहतरीन मशीनें हैं, लाइक प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए हमारे पास इनक्यूबेटर्स हैं। हमारी OT की जो मशीनें हैं वो काफ़ी लेटेस्ट है और हमारी OT में हर तरह की सर्जरी आप करवा सकते हो और हमारी जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी बेहतरीन है विद अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ। थैंक यू। मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ब्रेक फेल होने से एक कंटेनर ने डिवाइडर पार कर दो कंटेनर को मारी टक्कर। टक्कर लगने से तीनों वाहनों में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से क्लीनर और ड्राइवर को हुई मौत और तीन लोग हुए घायल। दरअसल मध्य प्रदेश के धार में एक कंटेनर ने डिवाइडर पार कर दूसरी ओर से आ रहे दो कंटेनरों को टक्कर मार दी, जिससे तीनों वाहनों में भीषण आग लग गई। इसमें सवार दो लोगों को जलने से मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पटदार ने बताया कि यह घटना इंदौर मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग गणपति घाट पर हुई है। उन्होंने कहा कि इंदौर से मुंबई की ओर जा रहे कंटेनर के ब्रेक फेल होने के कारण वह डिवाइडर पार कर दूसरी ओर चला गया और उसने दो कंटेनर को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों वाहनों में भीषण आग लग गई, जिससे कंटेनर चालक मनोज रावत 25 वर्षीय और क्लीनर प्रहलाद रावत 23 वर्षीय की जिंदा जलने से मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया जहां उनका उपचार जारी है। सर, गाड़ी लेके आ रहे थे तो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक नहीं लग पा रहा था तो ड्राइवर ने ऐसे ऐसे मुड़ाया, दो गाड़ी को बीच में से मतलब बीच में होके निकल गए, थोड़ा दोनों साइड से टकराए। उसके बाद में गाड़ी संभली नहीं तो वो रोड पे चली गई गाड़ी, डिवाइडर कूद के गई। हाँ, डिवाइडर कूद के वो साइड में चली गई। सर, दो गाड़ियाँ सामने से आ रही थी, उनको जाके ठोक दिया। अच्छा, वो मतलब दोनों सामने आ रही थी तो संभल नहीं पाया तो भिड़ हो गए दोनों। तो गाड़ी में आग लगी क्या? गाड़ी में सर आग लग गई और दोनों अंदर ही रह गए। मैं बीच में बैठा था तो मैं थोड़े जोर करके निकल आया। अच्छा। थोड़ा जोर लगाया तो मैं फटाक से निकल आया, वो दोनों अंदर ही अंदर फंस गए। ड्राइवर के पैर फंस गए थे और जो कलासी था उसका सर इधर से फंस गया था, वो निकल नहीं पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? फिर जल गई गाड़ी। तो वो भी उसी में रह गए क्या? उसी में रह गए सर, निकल भी नहीं पाए, दो जल गए उसमें। बिल्कुल सर। आज सुबह प्रातः 8 बजे के पास गणपति घाट में एक दुर्घटना जरूर हुई है, जिसमें एक ट्राला जिसमें कि मार्बल भरा हुआ था महाराष्ट्र की ओर जा रहा था गणपति घाट पे, उसका ट्राले का नंबर है RJ42GA1903। ये जा रहा था, इसके ब्रेक फेल होने के कारण डिवाइडर कूद के दूसरी ओर आ रहे हैं दो कंटेनर, जिसमें एक पार्सल था और MH15GB1962 और एक मारुति से भरा हुआ भी कंटेनर था NL01N1283। ये दोनों में जाकर टकराया, जिसके कारण की आग लगी और दुर्घटना होने के कारण इसमें जो मार्बल से भरा हुआ ट्रक था इसमें तीन लोग बैठे हुए थे, दो लोगों की जलने के कारण मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति उसमें बच गया है। इसके अलावा उस पूरे घटनाक्रम में दो लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, एक मनोज और एक प्रहलाद, बाकी तीन लोग घायल हैं जो कि खतरे से बाहर हैं। चूंकि ये घटनाक्रम ब्रेक फेल होने के चलते प्रथम दृष्टया लग रहा है क्योंकि उतरते वक्त ब्रेक फेल होने से हुआ है। इसके अलावा इसमें कहीं ना कहीं ये भी चर्चा में आ रहा है कि इसके अंदर किसी बस की दुर्घटना, किंतु ऐसा नहीं है, बस बिल्कुल अलग थी। बस का इस दुर्घटना से कहीं कोई है न, कोई दुर्घटना के अंदर उसकी कोई किसी तरह की परेशानी या कोई दुर्घटना में सम्मिलित रही है। बस सुरक्षित थी? बस बिल्कुल सुरक्षित है, बस का दुर्घटना से कहीं कोई भी कनेक्शन नहीं है। कोई अन्य वाहनों में कुछ एक जरूर ये ट्राले के पीछे की तरफ एक पिकअप वाहन था, उसके अंदर थोड़ा सा नुकसान हुआ है किंतु उसके अंदर भी कोई भी घायल वगैरह नहीं है, जो मार्बल के ट्रक के पीछे की ओर चल रहा। घायलों की स्थिति कैसी है? घायल खतरे से बाहर है और मृतकों को भी धामनोद हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। उनके परिजनों को और ड्राइवर जो मालिक है ट्रक का मालिक उसको भी सूचना दे दी गई, वो लोग भी आ रहे हैं। सर, नुकसानी का कोई आकलन अभी तक हो सका? चूंकि ये घटनाक्रम हुआ है इसमें मारुति से भरा हुआ एक ट्रक था, पार्सल वाला जो था, संभवतः उसमें दवाइयाँ होनी चाहिए, तो अभी मौके के ऊपर कार्रवाई चल रही है। यातायात एक तरफ से पूरा चालू है,
जिसके कारण कि यातायात चालक दूसरी ओर बाकी जो दुर्घटना हुई थी जिसमें आगजनी हुई थी उसको कंट्रोल कर लिया गया, शीघ्र ही इस रास्ते को भी चालू कर दिया जाएगा। मृतकों की शिनाख्ती हो चुकी है और उनके परिजनों को सूचित किया जाएगा। हाँ जी, मृतकों की शिनाख्ती हो चुकी है, एक का नाम मनोज है, एक का नाम प्रहलाद है, क्योंकि वो जो तीन लोग थे उसमें से एक व्यक्ति बचा हुआ है, तो उनको भी सूचना दी गई है।